मैं मेरा खुला समर्थन दिया हूँ। कोई मेरी भी पत्नी वोट दे या नहीं दे उसका अधिकार है। मैंने मेरा मत माना है, जिसने मेरा 5 साल मेरे विषयों को मेरे को सम्मान दिया, मेरे विषयों को सम्मान दिया, शहर के विकास के लिए सम्मान दिया, खाली वही कारण है। कोई मुझे कोई मैं ना उनका शिव बंधन बांधने वाला हूँ, ना मैं कोई उनके पार्टी में प्रवेश करने वाला हूँ। ये बात भी उनको बता दी है कि ना मैं शिव बंधन बांधूंगा, ना मैं पार्टी में प्रवेश करूँगा। आपके व्यक्तिगत आचरण, आपका व्यवहार, आपकी जो ईमानदारी, उसके लिए मैं आपको समर्थन कर रहा हूँ। बचपन से संघ परिवार से जुड़े भाजपा के पूर्व नगर सेवक ओम प्रकाश अग्रवाल ने 25 थाने लोकसभा उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना के उम्मीदवार राजन विचारे को अपना जाहिर समर्थन दिया। आपको बता दूं कि ओम प्रकाश अग्रवाल द्वारा एक पत्रक उम्मीदवार राजन विचारे के समर्थन में निकाला गया, जिसमें उन्होंने समर्थन देने के लिए कई मुद्दे पत्रक में लिखे। अग्रवाल द्वारा पत्रक की चर्चा अब शहर भर बनी हुई है, जिसमें पुराने और नए कार्यकर्ताओं का मुद्दा भी शहर भर बना हुआ है। इस संदर्भ में हमने ओम प्रकाश अग्रवाल से बातचीत की, आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। आज जो लोकसभा का चुनाव है, ये चुनाव राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ में सनातन धर्म, राम मंदिर मुद्दा, भ्रष्टाचार, आर्थिक नीतियों का, ये सभी मुद्दे इसमें हैं। और जो मैंने पत्रक निकाला है, उस पत्रक में मैंने क्लियर इनको समर्थन देने का व्यक्तिगत कारण यही बताया है कि पहले तो श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के बारे में आपको बताता हूँ। राम जन्मभूमि आंदोलन में उस समय जो छोटे छोटे यहाँ पर गांव थे, राई, मुर्दा, मोरवा, उत्तन या काशीमेरा, पेनकरपाड़ा, नवगर, खारी, यहाँ पर शिवसेनाओं का अच्छा वर्चस्व था और संघ के और या विश्व हिंदू परिषद के लोगों को इन्होंने बहुत मदद की, जिसमें मेरे पिताजी प्रमुख थे। धर्मा पाटिल है, अनंत पाटिल है, वासुभाई नंबियार है, जिसमें थीटे परिवार है, गोखले परिवार है, ऐसे परिवारों ने जो तन मन से सहयोग किया। और जब 22 तारीख को इस भव्य निर्माण का उद्घाटन था, तो दुख की इस बात की हो कि जो ढोल नगारा बजा रहे थे इस शहर में, उन्होंने एक भी कार सेवकों को विश्वास में नहीं लिया या उनको पूछा तक नहीं, केवल अपनी प्रसिद्धि और राजनीति की। पहला तो मुद्दा सबसे बड़ा ये है कि इसकी हमको ठेस लगी कि ये जिसने राम जन्मभूमि के लिए पूरा समर्पण किया, ऐसे लोगों को उन्होंने याद तक नहीं किया, आप समझ सकते हो। दूसरा विषय है जो राजन विचारे का कार्य पद्धति का। लोकसभा पहले ठाणे की जो लोकसभा थी, वो पूरे एशिया में सबसे बड़ी लोकसभा थी। भाईंदर का, उत्तन का एक छोर और करजत नासिक तक का ये क्षेत्र था, जिसमें उल्लासनगर, डोंबिवली, ठाणा, बेलापुर, भिवंडी, ये सभी क्षेत्र आते थे। और उस समय लोकसभा के जो सांसद थे, उनको पॉसिबल नहीं था कि इस शहर का विकास कर सकें। भाईंदर एक अलग ही पड़ता था। उस समय जब इसका विभाजन हुआ, विभाजन के बाद में राजन विचारी जी आए और राजन विचारी जी ने आकर के जो 5 विषय सेंट्रल लेवल के हैं, नमक उत्पादक का विषय है, मच्छीमारों का, समुद्र का विषय है, रेलवे का विषय है, CRZ का विषय है, जो CNG गैस आई है, जो गैस का विषय, ऐसे विषयों पर जब जब हमने उनको मार्गदर्शन किया, उनसे मांग की, आज मीरा भाईंदर के रेलवे स्टेशन में जो सुविधा 10 साल पहले होनी थी, वो सुविधा आज है। आज भी कुछ कमियां हैं, लोकल ट्रेन बढ़नी चाहिए, कुछ बाहर की लोकल रुकनी चाहिए, राजस्थान से आने वाली, गुजरात से, उसके लिए हमने प्रयास किए, हमारे पास रिकॉर्ड है, उसमें सफलता नहीं मिली। आगे ये कामों में प्रगति हो, ऐसी हमारी इच्छा, और उन्होंने बहुत काम किया है, इसका कारण हमने आज इनको समर्थन दिया है। तीसरी बात है, आज जब देश में बात चल रही है कि ये देश का विषय है या राष्ट्र का विषय है, सनातन का विषय है, जब देश का विषय है, तो मुझे बहुत हंसी आ रही है। नकली शिवसेना, असली शिवसेना, मंगलसूत्र, ये विषय कहाँ से आ गए? जब आपको राष्ट्र की बात करते हो, इस देश के लोकसभा की बात करते हो, तो आपको चीन, पाकिस्तान या दूसरे देशों की जो हमारी नीतियों पे बोलना चाहिए। देश में भ्रष्टाचार ही बढ़ गए, देश में आज बेरोजगारी बढ़ गई, इस पर कोई चिंतन नहीं कर रहा है। उल्टा
बोलते हैं चोर कोतवाल को डाल दी, जो पार्टियां थी जो भ्रष्टाचार से लिप्त ऐसी पार्टियों को अपने में मिला करके जिस संगठन ने 35-25 साल तक भाजपा का साथ दिया, माननीय बाला साहेब ठाकरे और अटल जी के नेतृत्व में 30 साल सरकार चली, ऐसे लोगों को बाजू में करके उनके साथ में विश्वासघात किया, जो अटल जी की नीति नहीं है, संघ की नीति नहीं है। अटल जी ने एक सीट के लिए अपनी प्रधानमंत्री की पद को ठुकरा दिया, क्यों? कि वो बोले मुझे खरीद परोस करके नहीं बनाना है। ठीक है, सत्ता चाहिए, कुछ कारणों से सत्ता आनी भी चाहिए, लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र में राजनीति हुई, मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को आघात लगा। हम संघ के सदस्यों का, मैं 15 साल से बाहर बैठा हूँ, बाहर मीन्स समाज सेवा कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ की जो गंदी राजनीति भाजपा की भाईंदर में चल रही है, 3 गुटों में भाजपा बटी हुई है, कार्यकर्ता किसके पास जाए, कार्यकर्ता कब कहाँ पर है किसी को मालूम नहीं। इसमें जो निष्ठावान कार्यकर्ता है वो अपने को ठगा हुआ महसूस करते हैं और अपनी जगह पर शांति से बैठे हैं। और आज ये जो निर्णय लिया है राजन विचारी के कार्य पद्धति के कारण, राम जन्मभूमि आंदोलन के कारण, इस देश के आगे के भविष्य के कारण, और मोदी जी से हमारा भेद नहीं है। जैसा राजस्थान की सरकार को गिराने वाले हमारे भाजपा वाले थे, उस समय राजस्थान में नारा दिया था कि मोदी जी आपसे भेद नहीं, वसुंधरा तेरी खेर नहीं, सरकार को गिरा दी थी राजस्थान की। और आज ये इस तरह से बात करते हैं और हमारे जैसे लोगों को हमको विरोधी बताते हैं, भाजपा का विरोधी बताते हैं। हमारी कुछ भावना हमने प्रकट की है, मैंने मेरा व्यक्तिगत पत्रक निकाला है, कोई पार्टी का या कोई संगठन का नहीं निकाला हूँ, मैंने लिखा मेरा व्यक्तिगत है। उसके बावजूद भी यहाँ के जो नेता लोग हैं उनको इस बात की थोड़ी भी मंशा नहीं है कि ऐसे कार्यकर्ताओं को मिले, क्यों नाराज है क्यों नहीं है, लेकिन सब अपने अपनी रोटियां सेकने में लगे। आगे की विधानसभा किसको मिलेगी, कितने मेरे लोग महापालिका में चुन के जाएगा, इसका गणित बैठा रहे हैं किसी को भी। और आज नव भारत टाइम्स में जो छपा है कि सिर्फ मोदी जी के नाम पे मस्के जीतेंगे, क्योंकि कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पत्रकारिता बोल रही है। इसका आत्मचिंतन आत्ममंथन करना चाहिए, इसे मुझे मालूम है। आज विधायक गीता जैन है, ठीक है कि पहले शिवसेना में गई, सबसे पहले भाजपा में गई, फिर शिवसेना में आई, फिर देवेंद्र जी के कहने से शिंदे गुट को समर्थन किया, आज वो शिंदे गुट में है। जब हम शिंदे जी के उम्मीदवार को जिताने की बात करते हैं, शिंदे जी की फ़ोटो देते हैं तो वो उनके गट की आमदार है। जब आप सभी पार्टी के लोगों को फोटो छापते हैं लेकिन गीता जैन की फ़ोटो नहीं छापते हो, इसका मतलब, मैं तो कहता हूँ गीता जैन को विद्रोह करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि मेरी क्या ताकत है। लेकिन शायद उनको भी आगे की विधानसभा की पड़ी है, क्या होगा मेरा, इसलिए वो कदम से कदम मिला के चल रही है। जितना उनके ऊपर अन्याय है ऐसे लोगों को मैं कभी पसंद नहीं करता हूँ। हम इज्जत लेके बैठे हैं और इज्जत से जीना चाहते हैं और इज्जत से मरना चाहते हैं। अभी तक तो वही हुआ, भगवान आगे भी हमारे सद्बुद्धि दे, हम अच्छा कर रहे लोगों का, जो काम मैंने बिना पद के किया है वही आगे भी कर सकूं। मुझे कोई चुनाव में हार जीत से नहीं है, लोग हारने के बाद में 6 साल के बाद में चेहरा दिखाते हैं, मैं आज भी जनता के बीच में हूँ, ये सब जनता को मालूम है। भाईंदर जब छोटा था यहाँ पर 5-6 मुस्लिम परिवार थे, उस समय तो हिंदू परिवार बहुत ज़्यादा था, उनमें दहशत होनी चाहिए लेकिन नहीं थी। मेरे पिताजी ने महापालिका में जो शिवाजी महाराज का पुतला है वो 4 जून 1974 में बनाया था, ये 4 जून 1924 को पूरे 50 साल हो रहे हैं। और उस पुतले को बनाते समय, उस समय जो समर्थ 2-3 मुस्लिम थे उसमें से एक का नाम वहाँ से 1100 रुपये लिया और उस पुतले में नाम डाला। लेकिन अभी जो मीरा रोड में घटना हुई, ये घटना भाईंदर के लिए निंदनीय है, ये ऐसा समाज में नहीं होना चाहिए। और जो हुआ है वो गलत हुआ है, उसका मैं तो विरोध करता हूँ, उसकी एकदम निंदा करता हूँ। मैं मेरा खुला समर्थन दिया हूँ, कोई मेरी भी पत्नी वोट दे या नहीं दे उसका अधिकार है। मैंने मेरा मत मांडा है, जिसने मेरा 5 साल मेरे विषयों को मेरे को सम्मान दिया, मेरे विषयों को सम्मान दिया, शहर के विकास के लिए सम्मान दिया, खाली वही कारण है। मैंने उनका शिव बंधन बांधने वाला हूँ, न मैं कोई उनके पार्टी में प्रवेश करने वाला हूँ, ये बात भी उनको बता दिए कि न मैं शिव बंधन बांधूंगा, न मैं पार्टी में प्रवेश करूँगा, आपके व्यक्तिगत आचरण, आपका व्यवहार, आपकी
जो ईमानदारी, इसके लिए मैं आपको समर्थन कर रहा हूँ।